दक्षिणी राज्य में अधिकतर पैदा होने वाले पौष्टिक केले का स्वाद अब हमीरपुर में भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमीरपुर के साथ लगते ग्राम पंचायत अनुकला के शौकिया तौर पर महाराष्ट्र से लाए गए पौधों पर सैकड़ों के हिसाब से केले लगने से किसानों के चेहरे चहके हुए हैं। हालांकि बागवानी विभाग हमीरपुर ने ट्रायल तौर पर 4 किसानों को पौधे वितरित किए थे, लेकिन केवल अनुकला गांव के वातावरण में ही ये सैकड़ों पौधे सफल हो पाए हैं। आपको बता दें कि इन केले के पौधों पर 1, 2 या 3 नहीं अपितु तो 35 से 40 दर्जन केले लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आपको बता दें कि केले की खेती लगभग 4000 वर्ष पहले मलेशिया में शुरू हुई, लेकिन आज के दौर में भारत विश्व का सबसे अधिक केला उत्पादक देश बन गया है। भारत में केले की खेती खास तौर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा होती है। सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात सतपाल सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष बागवानी विभाग के HOD प्रताप सिंह द्वारा हमीरपुर के वातावरण को देखते हुए सूरत और महाराष्ट्र से केले के छोटे छोटे पौधे मंगवाए गए थे और ट्रायल के तौर पर हमीरपुर जिला के 4 किसानों को उगाने के लिए दिया गया था, जिसके बाद 4 किसानों में से उनके द्वारा लगाए गए पौधों की सफल खेती हो पाई है। उन्होंने बताया कि इन केले के पौधों पर किसी भी प्रकार के केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पौधे प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए पौधे हैं। उन्होंने कहा कि केले की खेती लगभग 18 महीनों में तैयार हो जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ठंडे मौसम के कारण केले की फसल में थोड़ी देरी हो रही है। ये सर, हमें ना लास्ट ईयर हॉर्टिकल्चर वालों ने HOD प्रताप सिंह जी होते थे, श्री प्रताप जी, तो उनके थ्रू जो है हमने ये डिसीजन के मंगवाए थे केले के छोटे पौधे। और मतलब हमने 1.5 साल पहले, मतलब अब तक मतलब तो 2 साल हुआ है, ऐसे 18 महीने का इसका पीरियड है, तो उन्होंने हमें ये प्रोवाइड करवाए थे कि हम फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये सूरत का और महाराष्ट्र कीड़ा जो है वो यहाँ पे लग सकता है या नहीं क्लाइमेट के तहत। तो ये फर्स्ट ट्रायल के तहत हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 किसानों को ये दिए गए थे, तो 4 किसानों में से सिर्फ हमारे ही यहाँ पे जो है सक्सेस हुए हैं। HOD जी भी यहाँ पे 3-4 बार जो है वो देख गए हैं आके, उन्होंने भी ये हमने मतलब बिना किसी दवाई के, बिना किसी मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाया है। और इसको जो ये 18 महीने का केला है, मतलब 18 महीने में तैयार होता है, तो हमारे अब 18 महीने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट अलग है, थोड़ी ठंडी के कारण इसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है ठंडी में, और थोड़ा कोहरे का प्रभाव नहीं, तो ये इससे अधिक मतलब फसल दे सकते थे और जल्दी जो है तैयार हो सकते थे। से 40 के करीब, यानी कि 400 से अब 350 से 400 केला है, मतलब 30-35 दर्जन जो है एक केला जो है वो देता है। फिर तो हमें इनका पानी की जरूरत होती है अधिकतर, तो इनको पानी का, मिट्टी चढ़ाई का, प्लस हमने जो केंचुआ खाद अपनी बनाई थी वो दी है, और सर्दियों में इनको बचाना पड़ता है थोड़ा सा। सर्दियों में पिछली बार हमने ग्रीन नेट लिया था, वो ऊपर लगाया होता सारा, और ग्रीन नेट लगा के जो है हमें सर्दियों में थोड़े ये बचाव हो गए थे, मतलब लग तो गया था उसमें कोरा, लेकिन फिर भी बच गए थे ये। अगर कोरा ना पड़े तो ये अधिक जल्दी पैदा हो सकता है, इसकी पैदावार जो है जल्दी हो सकती है, ग्रोथ भी इसकी। सर, आमदन की हम बात करते हैं, अगर मान लो हम फसल लगाते हैं यहाँ पे गेहूं या मक्का की, तो 6 महीने की मान लो इस खेत में से हम 10 से 15 मन ही चलो मान के चले, या 20 मन, तो 6000 का औसत रखो भी, एक फसल का 6000, 2 फसल का 12000 और 3 फसल का 18000, तो उस 18000 में आप मतलब उसकी ट्रैक्टर की बिजाई निकाल दो, सारा कुछ, तो अमूल वो ही बचता है हमें 10-12 हजार। लेकिन ये 18 महीने में जब ये तैयार हो जाएगा, तो तकरीबन अगर हमारा ये 120 केला है, एक गरड़ अगर हम मान के चले 3 या 4 रुपए के हिसाब से भी केला जाएगा, एक गरड़ जो है हमें 1500 रुपए के करीब देगा। 1500, चलो हम 1000 रुपए भी बेचें, तो तकरीबन जो है हमें 1,20,000 रुपए जो है इसमें से हमें जो है मिलेगा। और उसमें से अगर हम पूरी लागत लगाएं, पूरा पानी यारा वगैरह निकाल के, तो 20,000 रुपए लागत निकाल दो आप, तो 1,00,000 के करीब जो है इसमें से हमें प्रॉफिट आ जाएगा। जो हमें फसल का मान लो 10,000 रुपए प्रॉफिट आना था, और उसकी बजाय हमें अब 1,00,000 के करीब जो है इसका प्रॉफिट आएगा। तो हमें जो है अगली बार हम इसको बड़े पैमाने पर, मतलब अब हम इसको जो है दूसरा केला मंगवाएंगे, रीवा कंपनी का है, वो 9 महीने में तैयार हो जाता है।
मतलब आप लगाएंगे, लगाने के बाद 9 महीने में जो है अपनी कंप्लीट मतलब फ्रूटिंग वगैरह देखे, तो अगली बार जो हमने जो देख रहे हैं आप नीचे गन्ने वगैरह लगाए हैं, गन्ने के भी खेत हैं, तो उसके हिसाब से हमने अब यहाँ पे जो है केला ही अधिक लगाना है, ताकि वो जो है हमारी ये नकदी फसल आ जाएगी, और इसमें उतनी अधिक मेहनत नहीं है, सिर्फ पानी टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है, थोड़ी सी मतलब इसकी केयर है कि मिट्टी का चढ़ाव वगैरह वगैरह थोड़ा सही तरीके से कर दें, तो मतलब उतनी ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो हमें। किसान अंजना कुमारी ने बताया कि बागवानी का शौक रखने के चलते ही ये केले के पौधे लगाए हैं, और इसी के चलते ट्रायल तौर पर विभाग के सहयोग से केले के पौधे अच्छे हो गए हैं और अब अच्छे केले का उत्पादन होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि 120 पौधे लगाए गए हैं और अब इन पौधों से लाखों की इनकम होने की उम्मीद है। उन्होंने किसानों को भी सलाह दी है कि खाली पड़ी भूमि पर केले के पौधे को लगाकर अच्छी आमदन कमा सकते हैं। सर, ये इसकी देखभाल हम जैसे इसको मिट्टी चढ़ाने के लिए मिट्टी चढ़ाते हैं, इसकी साफ सफाई बाकी करते हैं, बाकी पानी टाइम टू टाइम देते हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर के द्वारा ही, सारी उन हॉर्टिकल्चर के द्वारा ही उनकी सुपरविजन में हम सारा काम करते हैं। एचओडी प्रताप सिंह जी, उन्होंने सारा ही हमें ये लाके दिए पौधे, जो इनकी छोटी पैदावार जब छोटे छोटे थे ये पौधे, तो तब उन्होंने लाए थे और महाराष्ट्र के लिए हैं उन्होंने बोला था, तो इनको मतलब कम टाइम में ही चेक करने के लिए ही भेजा था उन्होंने, कि इनको चार ओनली इस डिस्ट्रिक्ट में चार ही किसानों को चुना गया था, तो उसमें से हम भी थे, तो हमने इनको लगाने का, हमें एक शौक है कि हम अच्छी नई चीज कोई आगे इन्वेस्ट करें और देखें उसको लगाकर, तो हमने इसको ट्रायल किया, ट्रायल बेस पे दिया था हमें, तो हमने ट्रायल किया, अब इसके ऊपर फ्रूटिंग आ गई है अच्छी सी, तो देख रहे हैं आप सामने कि इसमें फ्रूटिंग अच्छी आई है, कि ऐसे मक्की और गेहूं लगाते हैं तो उसकी तो इतनी पैदावार नहीं होती है, साल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे, मगर नहीं इसमें काफी फ्रूटिंग अच्छी आई है, तो मतलब 120 पौधा लगाया है, तो 120 में मानो एक पौधे में हमारे को कम से कम 400-450 केला लगा है इस टाइम एक पौधे में, तो मान लो एक पौधा हमें 1500 रुपए भी देगा, तो 120 पौधा है तो 1,20,000 बन जाता है कम से कम। उनको सजेशन यही है कि इन सबको लगा के देखें, और अच्छी पैदावार है, अच्छी आपको इसमें इनकम भी मिलेगी साथ में, और जो खाली खेत छोड़े हैं कम से कम अपनी जमीन से जुड़िए, और जमीन से जुड़ने से ये कि अच्छी उसमें पैदावार होगी तो आपको इनकम भी होगी साथ में। सतपाल के पिता दुनिचंद ने बताया कि कृषि विभाग के प्रोत्साहन के चलते ही केले के पौधे लगाए हैं और अब अच्छी आमदनी होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि केलों के पौधों में कई दर्जनों केले लगे हुए हैं, जो कि खुशी की बात है। हमें सरकार की बहुत खुशी है, उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया कि आप ये काम करो, और उन्होंने हमारी मदद की, मौके पर आकर उन्होंने सब कुछ देखा, और हमारी उन्होंने माई की जो भी हमने केले लगाए हैं वो उनकी मेहरबानी से लगाए हैं, स्टाफ ने हमारी माई की और उनके मुताबिक हमने काम किया, ये केले वगैरह लगाए हैं, उन्होंने ये फल दिए है, हमें बहुत खुशी है, और सरकार ने जो हमें सब्सिडी या प्रोत्साहन दिया है उसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद करती हैं। ग्रामीण महिला सुदेश ने बताया कि गांव में केले के पौधों पर दर्जनों केले लगे हुए हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग भी इसी तरह से खेतों में केले उगाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। जी बड़े अच्छे, सोचे भी नहीं थी ये चली पौने थी केले, मतलब फिर यहाँ इन्हें बूटा ले आई, फिर लगाया से काफी बूटे लगी है, कने केले भी बड़े अच्छे लगे, हुन जो खुशी तो होनी आई भाई ये बाहर लंदिरे, मतलब ता ये थी बूटे ठीक चल रहे, मतलब ठीक लगे केड़े। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला शीला देवी ने बताया कि 80 साल उम्र हो गई है, लेकिन केले के पौधे पर इतने ज्यादा केले लगते हुए नहीं देखे थे। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गांव में केले के पौधों पर फसल तैयार हुई है। 80 साल उम्र होगी मेरी, मैं आज तक ऐसे केले देखे नहीं, पहली बार देखे, और बड़ी खुशी हुई पौधे लग गए हमारे मुल्क में आई। उद्यान एवं बागवानी विभाग के एचओडी प्रताप सिंह ने बताया कि बागवान के शौकीन सतपाल की डिमांड आने के बाद ट्रायल के तौर पर अणुकला में केले के पौधे महाराष्ट्र से मंगवा कर लगाए गए हैं, जो कि अब
काफी अच्छी फसल देने लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस केले की फसल में किसी भी प्रकार की केमिकल युक्त खाद का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है और अब ये फसल तैयार हो गई है, जिसे आने वाले समय में हमीरपुर में और जगह पर भी अब केले की फसल तैयार हो सकेगी। हमने ये जो हमारे बागवान है सतपाल जी, इनको हम पहले हमारे यहाँ लोकल बनाना हुआ करता था, तो इनके इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने भी डिमांड की, तो हमारे टिश्यू कल्चर के द्वारा ये जो प्लांट थे ये जिला कांगड़ा के पालमपुर में एक लैब थी, वहाँ तैयार किए जाते हैं। तो हमने वहाँ से अपने बागवान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इनको ये 200 प्लांट जो प्रोवाइड करवाया, जो हमारी G9 ग्रैंडी नैना के नाम से है, और ये पहली बार हमने यहाँ ट्रायल के तौर पर अपने बागवान को प्रोवाइड करवाए, और हमें ये 18 महीने बाद इसकी फसल आने के लिए जैसे बताया गया था, पर प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि हमें ये जो फसल अभी सामने देख रहे हैं आप 24 महीने के बाद आ रही है, और हमने इस क्रॉप में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया, ऑर्गेनिक वे में ही हमने इनको तैयार किया हुआ है। बिल्कुल जी, हम तो ऐसा मान रहे हैं, पहली बार हम भी ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, ना ही हमारे इसके ऊपर किसी पाले का जो प्रकोप हुआ करता था, कोई नुकसान हमारी क्रॉप को हुआ है, और जैसे हम देख रहे हैं कि एक ही प्लांट में जो 450 के लगभग फ्रूट जो है वो एक केले के पौधे में आ रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे तो हमें लग रहा है कि फार्मर की आगे आने वाले समय में अच्छी एक इनकम जो आय का साधन बन सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र तमिलनाडु जैसे गर्म और पानी से भरपूर राज्यों में उगने वाला केला अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत अणुकला में भी उपलब्ध है, जिसमें एक पौधे पर एक दो या तीन दर्जन नहीं बल्कि 40 और 41 दर्जन के लगभग केलों का उत्पादन हो रहा है। बागवानी विभाग द्वारा 1.5 साल पहले सूरत और महाराष्ट्र से केले के छोटे छोटे पौधे मंगवाकर उन्हें हमीरपुर जिला के वातावरण में ट्रायल के तौर पर लगाया गया, जो कि आज पूरी तरह सफल हो गया है, जिसको देखकर बागवानी विभाग केले की फसल उगाने वाले अणुकला के सतपाल सिंह परिवार के सदस्य खुश नजर आ रहे हैं। केला को पौष्टिक रूप से सोने की खान माना जाता है, ये दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा रहता है। केले में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, मैंगनीज और पोटाशियम आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं।